हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अ न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सब? तो देखिए ना, मॉर्निंग मॉर्निंग में क्या हो गया। एक्चुअली मेरा ये जो थंब का नेल है ना, लॉन्गेस्ट नेल, वो यहाँ से ही ब्रेक हो गया। अब यहाँ से ब्रेक हो गया तो पूरा नेल तो मुझे क्लिप करना ही पड़ेगा। सो मैंने पूरा नेल क्लिप कर लिया। फिर क्या, फिर ये फोर नेल्स हैं, ये भी मैंने क्लिप कर लिया, क्योंकि एक नेल ये वाली लेंथ का और बाकी के फोर नेल्स लॉन्ग होना तो अच्छा नहीं लगता। तो लाइक मैंने सारे नेल्स क्लिप कर लिए। अब मैंने सोचा क्लिप कर ही रही हूँ तो फिर नेल पेंट ना, वो मैंने की थी ना ऊपर वाइट और नीचे ब्लैक, वो भी रिमूव कर दी क्योंकि वो भी ठीक ठाक लग रही थी। एंड बस ये है यहाँ पे मेरे सारे नेल्स, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये है मेरे प्यारे प्यारे नेल्स। अभी मैंने नेल पेंट रिमूव कर ही ली है, तो कुछ दिन ना नेल पेंट नहीं लगाती हूँ मैं, क्योंकि काफ़ी दिनों से नेल पेंट लगाई हुई थी ना, तो कुछ दिन नेल पेंट नहीं लगाना अच्छा है। वैसे मैं नेल केयर करने वाली हूँ, बट उससे पहले और नेल फाइलर से थोड़ा सा अच्छे से शेप दे देती हूँ नेल्स को। लाइक नेल फाइलर से ना मुझे ये दो चीज़ों का बेनिफिट लगता है। लाइक हम जो नेल क्लिप करते हैं फिर यहाँ पे ना एजेस रफ हो जाती है, तो वो एजेस फाइलर से स्मूथ हो जाती है, और हम नेल्स क्लिप करते हैं ना तो लाइक माइनर थोड़े से अनइवन शेप में तो होते ही है, तो वो भी शेप ठीक ठाक हो जाता है। तो अब मैं थोड़ी सी नेल केयर कर लेती हूँ, एंड तब तक ना मेरे हेयर भी सूख जाएंगे। चलिए, तो अब मैं हेयर कॉम को क्लीन कर लेती हूँ। आपको तो पता है ना कि मैं हेयर कॉम को जब हेयर वॉश करती हूँ तब ब्रश कराती हूँ, आई मीन ये ब्रश ना वो क्लीन कर लेती हूँ। और ये ब्रश हम ऐसे अलग से ही रखते हैं कि ये यूज़ किया हुआ टूथब्रश नहीं है, ये नया एक ब्रश लेके रखता है सिर्फ कॉम के लिए। अभी ना मम्मा मुझे नीचे नींबू पानी के लिए बुला रहे हैं, तो मैं वो भी के आती हूँ, एंड टॉवल भी सुखाना है तो वो भी सुखा के आती हूँ, एंड साथ साथ मैं कुछ नेल केयर के लिए भी लेके आती हूँ। तो मैं ना नींबू पानी भी ऊपर लेके आ गई और साथ साथ मैं कुछ नेल केयर के लिए भी लेके आ गई, आपको दिखाती हूँ। सबसे पहले मैं पी लेती हूँ लाइम जूस, एंड उसके बाद करते हैं नेल केयर। सो अब कर लेते हैं नेल केयर। सो माई ऑल ताम झाम इज रेडी। बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करना है, थोड़ा ही करना है, फटाफट कर लेते हैं। सो मैं इस नेल केयर में क्या करती हूँ कि सबसे पहले ना नींबू की स्लाइस रब कर लेती हूँ, फिर गुनगुने पानी से वॉश कर लेती हूँ, आई मीन क्लीन कर लेती हूँ नेल्स। फिर हैंड्स वाइप करके लगा लेती हूँ थोड़ा सा मॉइस्चराइजर। ये वाले नेल पेंट अभी रिसेंटली परचेज की है, ये इतना प्रिटी कलर है ना कि मुझे ना करने का बहुत मन हो रहा है। सो मैंने अपने लेग्स पर तो अप्लाई कर ली है, बट मुझे ना हैंड पर इसकी कुछ नेल आर्ट करनी थी। अब इस हैंड में तो ऑलरेडी है, बट इस हैंड में ना कुछ लॉन्ग नेल्स से ना तो कुछ अच्छी वाली एंड यूनिक वाली नेल आर्ट करनी थी। मैंने थोड़ा बहुत उसके बारे में सोच के भी रखा था, बट फिर नेल क्लिप वगैरह सब कुछ कर लिया तो कोई बात नहीं, थोड़े दिन बाद ही कर लूँगी। बट एक आइडिया है, एंड वो आइडिया ये है कि मैं मम्मा के नेल्स पर नेल पेंट लगा लूँ। तो मम्मा के नेल्स पर तो नेल पेंट लग गई है, एंड अब मैं सब कुछ अपनी जगह पर रख देती हूँ। वैसे कुछ कुछ नेल पेंट्स ना थिक हो गई है, बट अभी तो इतना सारा टाइम नहीं है, सो सोच रही हूँ कि फिर जब टाइम मिलेगा ना तो मैं ऐसा भी करूँगी कि एक एक चेक करूँगी और जो थिक हो गई होगी ना वो निकाल लूँगी। अब कॉम भी सूख गए हैं एंड हेयर भी सूख गए हैं, तो मैं सोच रही हूँ हेयर कॉम हो जाए। ये दो पेंट्स ना मैंने यहाँ पे इसीलिए रखी है बिकॉज मम्मा को ये दो पेंस की ग्रिप बहुत अच्छी लगी और कंफर्टेबल लगी, तो जब हम बाहर जाएंगे ना तो ये सेम टू सेम पेंस लेनी है। दिस इज द फाइनल लुक ऑफ संडे फंडे। अब एक्चुअली आज संडे फंडे है, तो मुझे तो ये मन है कि आज मैं कुछ भी पढ़ाई ना करूँ, बट दैट इज ऑब्वियसली नॉट पॉसिबल। तो मम्मा ने ना मुझे एक डिफरेंट सा आइडिया दिया, लाइक फॉर अ चेंज मैं आज मॉर्निंग से नहीं, मैं आज आफ्टरनून से पढ़ाई स्टार्ट करूँगी, तो कुछ चेंज लगेगा, है ना। तो बस मैं वैसा ही करने वाली हूँ, और अभी मैं और मम्मा खेलने वाले हैं कुछ गेम्स। देखिए, अभी मेरे गेम्स के कलेक्शन में ना ये सब गेम्स हैं, पिक्शनरी है, हाउजी है, कलर ट्रैप, गियर्स, ओथेलो, कनेक्ट फोर है, और ये तो वो लूडो पॉपिट है, एंड जेंगा है। तो मैं सोच रही हूँ जेंगा लूँ, एंड वो एक बिंगो वाली गेम है, एंड गियर्स लेती हूँ। हाँ, ये सही रहेगा।
शर्मा, क्या आप रेडी है? चलो. यस, सो लेट्स स्टार्ट प्लेइंग. तो मम्मा मैं विनर हो गई, आपको कैसा लग रहा है? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है. वैसे आपके पास ये गेम है? वाओ, ऐसे पेन यहाँ पे मिल गए मुझे. और ये वाले पेन पता नहीं कहाँ पे है, एक्चुअली ढूंढते हैं. चलिए, अगर नहीं मिलेगी तो फिर अंकल को बोलेंगे. आई थिंक ये है. कहाँ गई? हाँ शायद, हाँ हाँ वही है. हाँ ये पिंक कलर भी बहुत अच्छा है ना, और आई थिंक इसका ये स्काई भी है, क्योंकि मुझे तो ये बहुत अच्छी लगी इसलिए. हाँ तो ये एक्चुअली दो तो हमारी है, ये 3 पेन्स हम ले रहे हैं. तो अभी पेन से हमने परचेस कर ली है, चलिए अब जाते हैं घर. तो ये है आज का हमारा लंच. तो लंच हो गया है, अब चलिए कर लेते हैं वॉकिंग. चलिए तो अब मैं कर लेती हूँ पढ़ाई, और ये तीनों पेन्स मैंने ले ली है नीचे. अरे ये ना मैंने सुबह से यहाँ पे रखी थी सारे स्टेशनरीज, लाइक जो हमारे रिसेंट परचेज है ना, वो मैंने इसे रखी थी. मैं आपको बैठ के बताती हूँ. एक्चुअली ना आज मॉर्निंग में मुझे ये हमने जो पाउच लिया था ना कल, वो अच्छे से ऑर्गेनाइज करना था, इसलिए बेड डिक्लटर करने के बाद ना मैंने ये सारी चीज़ें यहाँ पर अच्छे से ऑर्गेनाइज करके रखी थी कि मैं फिर तुरंत अभी बैठने वाली हूँ पाउच ऑर्गेनाइज करने. बट उसमें क्या हुआ कि मेरा नेल टूट गया है, वो मुझे ध्यान गया, और वो सब सुबह सुबह हो गया. फिर नेल केयर वगैरह किया, और अभी मैं करने बैठ रही हूँ पाउच को ऑर्गेनाइज. एक्चुअली मैं इतनी एक्साइटेड थी ना पाउच को ऑर्गेनाइज करने के लिए कि मुझे ना तुरंत मॉर्निंग में ऑर्गेनाइज करना ही था. एक्चुअली ये सारे स्टेशनरीज ना वो नहीं है जो हमने कल परचेस की थी, लाइक सारी कल नहीं परचेस की थी. मैं अपने डेस्क ऑर्गेनाइजर में जो सारी ये पेन्स वगैरह हाईलाइटर्स वो सब था ना थोड़ा बहुत कुछ, तो वो भी मैं लेके आई ऊपर मॉर्निंग में, ये सब लेके आई थी मैं ऊपर. सो लेट्स स्टार्ट ऑर्गेनाइजिंग. सो ये कर लिया मैंने पूरा पाउच ऑर्गेनाइज. अब बहुत से लोग मुझे ये पाउच की प्राइस पूछ रहे थे, तो ये पाउच की प्राइस है ₹420. एंड ये कंपास की भी प्राइस पूछ रहे थे. एक्चुअली इसमें ना पेंसिल साथ ये बहुत सारी, एक इरेजर आता है क्यूब वाला, एंड शार्पनर इसके साथ ही आता है. आई थिंक बहुत से लोगों को पता होगा, बट अगर किसी को नहीं पता है तो मैंने सोचा बता दूँ. तो हाँ, इसकी प्राइस मैं इसके बॉक्स में से देख के बताती हूँ, इसकी प्राइस है ₹125. तो अभी मैं आपको बता देती हूँ कि इस पाउच में मैंने एग्जैक्टली कौन कौन सी चीज़ें रखी है.
तो सबसे पहले तो ये जो कंपास है ना, वो जब हमने लिया था तो उसके साथ इस टाइप की पेंसिल्स आई थी, तो उसमें से मैंने ये 3 पेंसिल्स रखी। फिर अभी ये एक ही शार्पन किया, ये दोनों बाकी शार्पन करनी। फिर ये वो पेन है जो मुझे सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल लगती है, उनोमैक्स अल्ट्रॉन नियो 2X। अगर आप ये पेन यूज़ करते हैं तो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। फिर ये है गोल्डेक्स क्लासी। देन ये वाली पेन ना हमने इसलिए ली बिकॉज ये ना पाउच के साथ बहुत ही अच्छे से मैच जा रही थी। सो ये है ब्लिंक। एंड ये दोनों रिट्रैक्टेबल पेन्स है फ्लेयर की। वैसे तो मुझे रिट्रैक्टेबल पेन्स पाती नहीं है, बट ये मुझे कंफर्टेबल लगी। तो अब ये वाला सेक्शन मैंने आपको बता दिया, अब आते हैं इस सेक्शन पर। सो यहाँ पर ना सबसे पहले है ये वाली मेरी पिंक कलर की स्केल। अब ये डायरी में ना क्या है मैं आपको दिखाती हूँ। सो इसमें मैंने सारे पेन्स के नेम्स लिखे थे वही पेन्स से जो वो पेन है वो। तो ये मैंने पहले लिखे थे जो पहले जब हमने परचेज़ किया था तब, और ये हमने इसके बाद जब लिए थे तब। तो ये सारी पेन्स ना मैं सोच रही हूँ कि इस वाली डायरी में लिख के रखूँ, और ये भी इस डायरी में इस तरह से कॉपी कर लूँ सारी, तो मुझे भी पता चलेगा इसमें मैं कुछ भी टू डू वगैरह हो तो वो भी मैं लिख सकती हूँ, मुझे स्टडी करते करते कुछ याद आए तो। एंड ये है मैग्नेट क्लिप, ये बहुत ही अच्छी रहती है ना, और जैसा कि मैंने आपको बताया है 2-3 पेज को एक साथ रखने में। सो ये तो जस्ट हमने वो सारी पेन्स है जो हमने कल ही ली थी ना, अगर आपने कल का व्लॉग देखा होगा तो आपको पता होगा। अब चलिए ये पेन कौन सी मैं आपको दिखाती हूँ। ये है मोंटेक्स की इम्प्रेशन करके बॉल पेन जो आती है वो। अब यहाँ पे मैंने रखी है हाइलाइटर्स। अब आजकल जो मैं 3 कलर्स यूज करती हूँ ना वही बस मैंने यहाँ पे रखती है। ये है इरेजर ट्राइंगुलर। एंड ये ना शार्पनर है, बहुत ही क्यूट है और इसका स्टाइल भी बहुत ही यूनिक है। सो बस यही कुछ रखा है मैंने इस पाउच में। तो आपको ये ऑर्गेनाइजेशन कैसा लगा वो मुझे आप कमेंट करके बता सकते हैं, और यहाँ पे मैं क्या रखूँ वो भी बता सकते हैं। एक्चुअली अभी तो मैंने कुछ सोचा नहीं है, बट अगर कुछ मुझे याद आएगा यहाँ पे रखना तो मैं रख दूँगी। सो अब मैं अपना नया पाउच लेके जा रही हूँ पढ़ाई करने, एंड आज मैं आफ्टरनून से पढ़ाई कर रही हूँ तो पूरा दिन मैं पढ़ाई ही करने वाली हूँ। तो कैसा लगा आपको ये ब्लॉग, मिलता है नेक्स्ट ब्लॉग में, मतलब कि कल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।